अफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको बोलते हैं रेगुलेशन। अब ये क्या होता है, इसका मतलब री का मतलब है, री का मतलब अगेन, और ग्लेयर का मतलब है फ्रीज, री फ्रीज। जैसे एक सड़क पे बर्फ गिरी हुई थी, बहुत ठंड है, गाड़ी निकली, टायर निकला, वो पिघल गई। जैसे ही टायर निकला, कुछ सेकंड के बाद आप देखो फिर से बर्फ बन गई, री फ्रीज, क्योंकि टायर ने गर्मी दी, फिर वो ठंड से फिर ठंडे होगी, फिर बर्फ बन गई। आपने ठंड में आइस पकड़ी, दबाया, आइस को दबाया, पानी निकला, फिर छोड़ा, फिर बर्फ बन गई हाथ में। तो ये रीफ्रीज का कॉन्सेप्ट है। तो ये बता रखा है इसमें, फिनोमेना इन विच आइस मेल्ट व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड, और फिर से फ्रीज हो जाती है, प्रेशर को रिलीज कर देते हैं, इसको बोलते हैं रीफ्रीज होना, यानी कि रेगुलेशन करना। इसका एग्जाम्पल दे रखा है कि बाय प्रेसिंग स्नो इन आवर हैंड, मैंने बता दिया, हाथ से प्रेशर दबाते हो तो मेल्ट हो जाती है, प्रेशर रिलीज करते हो फ्रीज हो जाती है। टायर वाला एग्जाम्पल है, व्हील्स को पास करते हो स्नो के ऊपर, वो फ्री मेल्ट हो जाती है, प्रेशर कम होता है टायर का तो वो फिर से फ्रीज हो जाता है। तो ये प्रोसेस है।